हम इतना कहना चाहेंगे, आज राघोपुर से हम नामांकन भरने जा रहे हैं। राघोपुर की जनता ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है और इस बार पुनः एक बार फिर राघोपुर की महान जनता जो है जिताने का काम करेगी। और आज नामांकन के दिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से समान काम समान वेतन की जो मांग नियोजित शिक्षकों की रही है, उनको मैं वादा करता हूँ कि सरकार बनने के दिन, आज मेरा नामांकन है, हम घोषणा करते हैं, 2 दिन बाद हमारा ब्लूप्रिंट भी सामने आएगा साझा, सभी कांग्रेस और माले के CPI CPM के साथी भी साथ रहेंगे, लेकिन आज नामांकन है इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि समान काम समान वेतन को लेकर के जो नियोजित शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग रही है, लड़ाई रही है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लगातार बेरोजगारी पे, भूखमरी पे, गरीबी पर, पलायन पर, बाढ़ से लेकर के जितनी आफत कोरोना काल में जितने लोगों को, मजदूरों को परेशानी झेलनी पड़ी है, लगातार हम लोगों ने सवाल सरकार से पूछा, लेकिन सरकार के पास कोई उत्तर नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 145 दिन तक जो है बाढ़ कोरोना काल में गायब रहे, नजर नहीं आए। अब जब वोट का समय आया है तो जनता के बीच जाकर के वोट मांगने का काम कर, बिहार की जनता, बिहार जो प्रदेश है सबसे नौजवान प्रदेश है इस देश का, और बेहद ज़रूरी है कि 60% आबादी में जो युवा जो है, 60% जिसकी आबादी है इस बिहार राज्य में, वो एक नई सोच की सरकार चाहती है। और ये निश्चित है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और भारी उत्साह बिहार के गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में, नौजवानों में हमने देखा है। कई बार हम लोगों पे निजी हमले होते रहे हैं, पूरी तरीके से हत्या का भी मुकदमा हम लोगों के ऊपर किया गया, किसके दबाव में, इस पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम नए सोच के हैं, हर जाति हर धर्म को साथ लेकर के चले। कल जो बाकी के चरण के जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी होंगे महागठबंधन के, चाहे माले हो, CPI हो, या कांग्रेस हो, या RGD है, जो बचे हैं, इस पे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और आपकी सरकार बनेगी, बिहार में आतंकवादी आएंगे, बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है, इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? हम तो पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते, एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना जात ना धर्म। हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें क्या हुआ उन घोषणाओं का, जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहे थे हर एक साल, 15-15 लाख रुपए खाते में देना था, काला धन लाना था, बिहार विशेष राज्य का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, बिहार की बोली लगाई गई, कौन सी बोली लगाई गई थी, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया,
मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रह गए, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, वो तक नहीं हुआ। अब देखिए जनता, नई नौजवान बिहार को अब बेहद इस दौर के घड़ी में नई सोच की सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में 12 में भाग जाते हैं भाजपा में, भाजपा से बाहर 2015 में हमारे साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर उनके साथ जाते हैं। अगर इसी तरीके का सरकार चाहिए तो बिहार का विकास संभव नहीं है। बार बार ना कोई नीति, ना कोई विचारधारा, ना कोई सिद्धांत। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि एकजुट होकर के जिन्होंने आपको सताने का काम किया, जिस निकम्मी सरकार ने आपको बदहाल स्थिति पे छोड़ दिया, जब जरूरत पड़ी तो बिहार नहीं घुसने दिया, उस समय को आप लोग सब लोग जानते हैं, याद करेंगे, तो मौजूदा सरकार का जाना तय हो चुका है। और जो हम बार बार हम दोहराते हैं कि हम ठेठ बिहारी, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को कमिटमेंट किया था कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे आरजेडी का कम सीट आए या बेसी सीट आए, हम लोगों ने बनाया क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट था। जो आज हम लोग कमिट कर रहे हैं कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे पहले कैबिनेट में, तो वो करके रहेंगे। जिनको हास्यास्पद लगता है, उनको हंसी आती है बेरोजगारी पे बात करने पे, गरीबी पे बात करने पे, भुखमरी पे बात करने पे, पलायन पे बात करने पे। इसलिए जो बार बार 4 साल में 4 सरकार जिसने देने का काम किया, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं आने वाली है। और कोई सवाल नहीं, मांग करेंगे। ये कहा जा रहा है जो बयान और एक्सपीरियंस है, आप माता पिता के टाइम में भी आपके कुछ नहीं हुआ, आपसे कुछ नहीं हो सकता है, उलूल जुलूल बयान देते हैं, 10 लाख को नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार जी हमारे उम्र में बड़े हैं, हम आदर उनका करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, कौन लोग उठा रहे हैं? हम डिप्टी सीएम जब बने तो किसके सरकार में बने, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाए? ठीक है, मान लो अगर मेरे काम को लेकर के बात करते हैं तो 18 महीने जो हम सरकार में रहे एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3-3 डिपार्टमेंट हमने संभाला, तो बिहार का 200 करोड़ का सीआरएफ फंड को 1000 किया, एक भी दाग अगर कोई लगा दे उस कार्यकाल में, तो बताएं कितने हजार किलोमीटर सड़कें जो है एसएच को एनएच में कन्वर्ट कराए, मेगा प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंडिंग के अंदर किया। अब बिहार सरकार का बजट का पैसा जो होता है, अलॉट होता है डिपार्टमेंट को, पूरा प्रतिशत खर्च नहीं कर पाते, 10-15%। मेरा डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिएगा तो 100% से भी ज़्यादा, बल्कि एक्स्ट्रा हम लोगों ने बजट का जो प्रावधान था उससे लेकर के हमने खर्च किया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने कमिटी बनाई, कैबिनेट लेकर के गए, ईओटी का फाइल, वेरिएशन का फाइल, एस्टिमेट का फाइल, तो हमने कमिटी बनाने का काम किया। तो ये जो लोग करते रहते हैं इस तरह की बातें, हमको शोभा नहीं दे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं। हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करे, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे।